नमस्कार। आदित्य ठाकरे ने संसद हमले के आरोपियों को बताया खतरों के खिलाड़ी। बोले, जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए योगदान नहीं दिया। एमएलए आदित्य ठाकरे ने एक मीडिया चर्चा में संसद हमले के अपराधियों को खतरों के खिलाड़ी बताया है। शुक्रवार को वह अपने आवास मातोश्री में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। आदित्य ने राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया तथा कहा कि जिन व्यक्तियों ने राम मंदिर के लिए योगदान या बलिदान नहीं दिया, वे वहां जाकर श्रेय ले रहे हैं। हाल ही में संसद पर हुए हमले पर उनके रुख के बारे में पूछे जाने पर आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारे देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। दो युवक अपनी जान जोखिम में डालकर संसद के अंदर घुसे। मैं उन्हें खतरों के खिलाड़ी कहूंगा। मैं उनका समर्थन नहीं करता तथा यह गलत है, मगर सवाल यह है कि उनके किसने पास जारी किए? क्या उन सांसदों के पूछताछ की जाती है? हम सरकार से जवाब की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।